व्यूअर्स, होप आर फाइन इट्स मी जफर एंड यू आर इन कैम्प को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इस शॉर्ट्स की वीडियो में हमने कन्वर्जेंस देखनी है जैसा कि हम प्रीवियसली कन्वर्जेंस करते आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की की हमने कार्बोनऑल कंपाउंड्स की कन्वर्जेंस की तो इस सेक्शन में हमने अल्कल हल्इट के पटेनिंग कुछ कन्वर्जनस करनी है सिंपल सा है इसकी एक्सरसाइज अल्का हल्इट की अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंडस बाई यूजिंग इथाइल ब्रोमाइड एज ए स्टार्टिंग मटीरियल बेसिकली इट्स कन्वर्जन आर यू कैन से इट्स रिएक्शन विध कंडीशन आपने कंडीशंस भी मैंशन करनी होंगी जहाँ पे ज़रूरी होगा ठीक है तो सबसे पहले आप इथाइल ब्रोमाइड लो उसको एन ब्यूटेन में लेके जाओ इथाइल ब्रोमाइड लो इसको एन ब्यूटेन में लेके जाओ मैंने आपको बताया है कन्वर्जन में जब आपने इलोंगेशन ऑफ चेन करना होता है चेन को लंबा करना होता है तो तीन माथर्स होते हैं या तो सायनाइड के साथ रिएक्शन करवा दो या वर्ड्स रिएक्शन करवा दो या फिर आप ग्रिगना रीजन लेके आते हो तो यहाँ पे आई सजेस्ट uh, के आप यहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन करवा दें इथाइल ब्रोमाइड ठीक है ये मैं इधर इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ इथाइल ब्रोमाइड आपको पता है ब्यूटेन एक समिट्रिकल अल्केन है और समिट्रिकल अल्केन के लिए वर्ड्स रिएक्शन बेस्ट है ठीक है दिस इज़ कार्ड योर वर्ड्स रिएक्शन इथर के अंदर आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें अल्काइल हैलाइड का होगा क्या कि ये दोनों ब्रोमाइड मालिक्यूल ये सोडियम उतार लेगा और आपको एन ब्यूटेन मिल रहा है वेरी सिंपल वे से हमने ब्यूटेन तैयार कर लिया पहली जो हमारी कन्वर्जनस थी वो थी एन ब्यूटेन का असूल कहाँ से इथाइल ब्रोमाइड से आपको टू एन ए बी आर मिलेगा अब आपने नेक्स्ट कन्वर्जन में इथाइल अल्कोहल तैयार करना है तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल फिर इथाइल ब्रोमाइड ही है आप इसका अगर रिएक्शन करवा दो एक्वस के ओ एच के साथ किसके साथ ओ एच इस ब्रोमीन को ईजीली रिप्लेस कर देगा तो आपको मिल जाएगा इथाइल अल्कोहल नेक्स्ट आपने इथाइल अल्कोहल ही बनाना था ना दिस इज़ योर इथाइल अल्कोहल प्लस आपको क्या मिलेगा के बी आर ये आपकी दूसरी कनबरियस अब अगर आप इथाइल साइनाइड तैयार करना चाहते हो तो क्या करोगे इथाइल ब्रोमाइड इज़ योर स्टार्टिंग मटीरियल यू शुड रिएक्ट इट विद के सी एन पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन करवा दो क्या होगा सायनाइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा तो आपको क्या मिलेगा इथाइल सायनाइड। मैंने कहा था एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप साइनाइड यूज़ अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तीन कार्बन वाला कोई कंपाउंड आपको मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड आप उसे अल्कोहल में ले आके आ सकते हो उसकी रिडक्शन करके तो साइनाइड इधर लग जाएगा प्लस आपको के बी आर हासिल होगा ना लास्ट रिएक्शन है इथेन ये आपने अल्केन की प्रेपरेशन में रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि जब आप कोई अल्काइल हेलाइड लेते हो इथाइल ब्रोमाइड है आपके पास तो आप इसकी आ, जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाओ किसी एक्वस हेलोजन एसिड के साथ एच बी आर ले, ले लेते हैं हम ये रिएक्शन हमने अल्केन की प्रेपरेशन में पड़ा हुआ है आपको जिंक ब्रोमाइड मिलने जा रहा है एक्वस हेलोजन एसिड में यू you नो know, कि हेलोजन एसिड आयोनाइज ही होगा वाटर के अंदर तो आपको जिंक ब्रोमाइड जिंक ये दोनों ब्रोमीन के मॉल एटम्स उतार लेगा इट विल गिव यू जिंक ब्रोमाइड और ये वाला हाइड्रोजन आप इसको दे दो इथाइल ग्रुप को यू विल गेट एन इथेन या फिर आप क्या करो इथाइल ब्रोमाइड ले लो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाओ जिंक और एच सी एल के साथ एक ही बात है इस रिएक्शन को आप यू भी लिख सकते हो कि यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन एच सी एल का निकला ठीक है आप इस तरह से लिख सकते हो उसको यू विल गेट इथेन ठीक है प्लस यूर अब के बार एच बी आर दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर एन ब्यूटेन इथायल अल्कोहल इथायल सानाइड एंड इथें अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी कन्वर्जन है जी तो हमने इथीन में कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड को ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है तो इथीन में कैसे कन्वर्ट करें ठीक है हम इसमें यहां से हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन हटा देते हैं दिस इज कार्ड बीटा एल्यूमिनेशन क्या करें इसमें फिर अल्कोहलिक के ओ एच डालो क्या करो अल्कोहलिक के ओ एच ठीक है ओ एच जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा मैं इसको यू लिख देता हूं ये वाला हाइड्रोजन है इस पे ओ एच अटैक करेगा इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ये रिएक्शन आप बीटा एलिमिनेशन के नाम से स्टडी कर चुके हो मैंने कहा ये ओ एच OH अटैक करता है इस एच पे इसको उठा के वाटर बना देता है और इसका बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है यू गेट एन इथीन ठीक है जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो इसमें पाँच बॉन्ड बन जाते हैं तो यहाँ से ब्रोमीन को निकलना पड़ता है यू विल गेट के बी आर प्लस योर एच टू ओ ये एच ओ एच मिल के ये आपका इथीन बन गया नेक्स्ट है आपका इथाइल ब्रोमाइड का हसूल ठीक है इथाइल अल्कोहल रादर हमें बनाना होगा इथाइल अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल के केस में हमें क्या करना होगा ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है इसका रिएक्शन के ओ एच के साथ करवा दो तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ब्लोर के बी आर ठीक है जी तो ये नेक्स्ट रिएक्शन में आपने तैयार करना है प्रोपानोइक एसिड क्या करें एक कार्बन का इजाफा करना है आपने क्या करना है एक कार्बन का अजाफा करना है अगेन आपके जहन में आ चुका होगा कि यहाँ कैसे अजाफा किया जाए इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपानोइक एसिड कैसे तैयार किया जाए ठीक है आप इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा दो तो यू विल गेट इथाइल मैग्नीशियम इथाइल मैग्नीशियम बरोमाइड और इसका रिएक्शन एसिड सी टू के साथ करवाओ यानी फिर इसके बाद हाइड्रोलोसिस भी करवाओ सी टू के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इथीरियल कंडीशन होंगी ठीक है फिर आप इसकी जब हाइड्रोलोसिस करोगे तो आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोपानोइक एसिड हासिल होगा ठीक है प्लस योर जो भी आता है एम जी बी आर ओ एच वगैरह ठीक है अब लास्ट रिएक्शन में आपने तैयार करना है प्रोपेन इथाइल ब्रोमाइड ले लो ठीक है इस मैग्नीशियम के आने की वजह से ये वाला कार्बन जो है दिस वन नेगेटिव हुआ है अब हम इसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं इंटरेस्टिंग है आप देख रहे हो ये कार्बन पॉजिटिव है ये वाला और ये कार्बन नेगेटिव है ये ग्रिगना रिजेंट का कमाल है ठीक है अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस मिथाइल पे अटैक करके सिंपल आपको प्रोपेन दे देगा सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस योर एम जी बी आर ओ एच आई थिंक इस रिएक्शन में इथाइल मैग्नीशियम बरोमाइड बनाना था इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना था इथाइल ब्रोमाइड से तो मुझे यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना होगा ड्राई इथीरियल कंडीशंस में तो तब ये बेसिकली आपकी ग्रिग्ना रीजेंट की प्रेपरेशन मांगी गई है इस रिएक्शन में जब एम आता है तो यहाँ पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल नेगेटिव तो या इसकी सारी खूबसूरती इस कार्बन टू मैग्नीशियम बांड की वजह से है इसकी सारी रिएक्टिविटी तो ये थी आपकी सिंपल सी इथाइल ब्रोमाइड की कन्वर्जन्स तो नेक्स्ट हम कुछ और कन्वर्जन्स देखते हैं अच्छा यहाँ पे हमने मीथेन को लेकर के जाना है प्रोपानोइक एसिड में याद आ गया होगा आपको यकीन कि क्या करना है भई हमें चेन एलोंगेशन करनी है या तो हम वर्ड्स रिएक्शन करते हैं या फिर ग्रिगनाड रिजेंट यूज कर लेते हैं इस तरह का, का काम करते हैं लेट्स सी ये एक कार्बन से दो कार्बन वाला कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं आप मीथेन लो मीथेन का रिएक्शन करवा दो सनलाइट की मौजूदगी में ठीक है क्लोरीन के साथ यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड प्लस एच सी एफ ठीक है तो एच एल मैं नहीं लिख रहा मैं फिर इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ वर्ड्स रिएक्शन बना रहा हूँ इसका क्योंकि मुझे इस कार्बन चेन को इलोंगेट करना है आई एम इन द नीड ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड तो टू में मैं जा रहा हूँ ये देखें ये अब जो आप रिएक्शन करवा रहे हो ये सोडियम इथीरियल कंडीशन में दोनों हेलोजेंस को उतार देगा तो आपको इथेन मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री मिलेगा आपको प्लस योर टू एन ए सी एल आपको याद आ गया होगा ये आपका वर्ड्स रिएक्शन है एलोंगेशन ऑफ चेन हो चुकी है अब इस इथेन को रिएक्टिव फॉर्म में लेके आना चाहते हैं हम थोड़ा सा अगेन क्लोरीन के साथ मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ सन लाइट की मौजूदगी में क्या होगा गेट सी एच थ्री सी एच टू सी एल अब मुझे इसका ग्रिगनार्ड रिजेंट बनाना है और एक और कार्बन का फिर मुझे इजाफा करना होगा मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैग्नीशियम के साथ ड्राई कंडीशन है ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा तो आपके पास ये एक ग्रिगनाड रिएजेंट बन चुका है ठीक है अब ग्रिगनाडीजेंट में दो कार्बन है हमें तीन पे जाना है वी आर इन द नीड ऑफ थ्री कार्बन और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है ग्रिग्नाडीजेंट का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाओ जस्ट रेपिटेशन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाओ तो प्राइमरी अल्कोहल एस्टाल्डिहाइड के साथ कराओ तो सेकेंडरी अल्कोहल की टोन के साथ करवाओ तो टर्शियरी अल्कोहल लेकिन यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर प्लस सी ओ टू पहले इथीरियल कंडीशन में मैंने रिएक्शन करवाना है और फिर उसके बाद इसकी एसिड हाइड्रोलोस होगी क्या होगा एसिड हाइड्रोलोस ये आप रिएक्शन बहुत दफ़ा कर चुके हैं तो एक और कार्बन का अजाफा हो जाएगा यहाँ पे यू विल गेट सी एच थ्री सी एच टू C double O H plus your M G B R O H. This is your propanoic acid. तो इस तरह हमने क्या किया मिथेन से मिथाइल क्लोराइड अल्काइल हलाइड से वर्ड्स रिएक्शन करवा के इथेन बना लिया मिथाइल क्लोराइड से इथेन इथेन से इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड से ग्रीग रिजेंट बना लिया हमने ठीक है ग्रिगना रीजेंट का रिएक्शन सीओ के साथ करवा के हमने प्रोपानोइक एसिड प्रिपेयर कर लिया है ये नेक्स्ट वाली जो है कन्वर्जन इसमें हमने इथेन से टर्शरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनाना है टर्शरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड हम इथेन का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ ठीक है तो ये इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा ब्रोमाइड प्लस योर एच बी आर अब हम इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। ये नाइट्रोजन हमने लेनी है अमोनिया से अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे और फिर इसका लोन पेयर भी यूज़ करेंगे तो चार बाड हम इस नाइट्रोजन के बनाएंगे इथाइल इसको कहते हैं क्वार्टरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड साल्ट ठीक है तो आप इसका रिएक्शन करवा चुके हो ग्रिगना रिजेंट आपने बना लिया है अब सॉरी इथाइल ब्रोमाइड आपने बना लिया है इथाइल ब्रोमाइड इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमोनिया के साथ ठीक है पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव ये इधर और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा इसका पूरा मैकेनिज्म तो नहीं मैं बताऊँगा मैं इसको शॉर्टकट स्टेप्स में कंप्लीट कर दूँगा आपके पास ये देखें सी एच थ्री सी एच टू ठीक है तो एन एच टू प्लस इसका एक एच इस ब्रोमीन के साथ जाएगा दो स्टेप में भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हो अब अगेन इथाइल ब्रोमाइड के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा इथाइल अमीन का इथाइल अमीन का रिएक्शन ठीक है पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव ठीक है जी तो ये दो कह लें कि आपके इथाइल लग जाएंगे ठीक है ये आपको हासिल होगा ठीक है अब इसका रिएक्शन मैं अगले इथाइल ब्रोमाइड से करवाऊंगा, एक और इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा इस इथाइल अमीन के साथ ठीक है जी ये अगेन ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो आप यहाँ पे हर दफ़ा एक एच निकाल हो तो एच बी आर भी लिखते जाओ तो ये आपके पास सी एच थ्री सी एच टू ये ट्वाइस था ये अब के बाद थ्राइस हो गया और यहाँ नाइट्रोजन लगेगा प्लस योर अगेन एच बी आर अब अगले स्टेप में एक और इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक होगा इस कंपाउंड का जो कि आप इसको कह रहे हो ट्राई इथाइल अमोनियम ठीक है ट्राई इथाइल अमोनियम इसका लोन पेयर भी जाके इधर अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे ब्रोमीन को यहाँ से हटना होगा तो आपको हासिल होगा सी एच थ्री सी एच टू हाउ मनी टाइम्स फोर टाइम दिस इज़ कॉल्ड क्वार्टरनरी अमोनियम क्वार्टरनरी इथाइल अमोनियम ठीक है और इसके ऊपर अब चुके, इसने अपनी कैपेसिटी से एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया हुआ है पॉजिटिव और अब के बाद ये वाला ब्रोमाइड जो है मैं इसके साथ ही लिख दूँगा इसको कहते हैं क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इस कन्वर्जन में हमने इथीन को वन ब्यूटानोल में कन्वर्ट करना है तो हम इथीन की कोई रिएक्टिव फॉर्म बनाते हैं इथीन को हम एच बी आर हमारी की तरफ जा रहे हैं एच बी आर के साथ रिएक्ट करके इथाइल ब्रोमाइड बना देते हैं इसका रिएक्शन अगर आप इथेरियल कंडीशंस में मैग्नीशियम के साथ करवा दो तो आपको ग्रिगनाट रिएजेंट मिल जाएगा ईथर की मौजूदगी में यूल गेट सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर दिस इज़ योर इथाइल ब्रोमाइड अब हमने जाना है ब्यूटानोल पे हमारे पास दो कार्बन है तो हम दो कार्बन और लेके कहाँ से आए सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर में, में आई थिंक हमें इसका रिएक्शन एप ऑक्साइड के साथ करवाना होगा ठीक है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ये पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव इस पे अटैक करवा दो आप यू विल गेट हाँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा ठीक है इस ऑक्सीजन पे यू विल गेट दिस थिंग ओ और साथ एम जी बी आर मैंने लगा दिया ठीक है जी अब इसकी एसिड हाइड्रोलोसिज अगर आप करो तो आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ये वाला सी एच टू जो है इसके साथ ये ओ OH एच लग जाएगा प्लस योर एम जी बी आर ओ एच दिस इज़ योर वन ब्यूटा वन ब्यूटानोल क्या किया एथिलीन ब्रोमाइड बना लिया इथिन का रिएक्शन एच बी आर के साथ करवा के इथाइल इत, ब्रोमाइड फिर रिजेंट और फिर एथिलीन एपोक्साइड थाइलीन ऑक्साइड या एथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के वन ब्यूटानोल हमने प्रिपेयर कर लिया अगली कन्वर्जन वेरी सिंपल सी है ये डीहाइड्रोहैलोजीनेशन का रिएक्शन है कि आप इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बनाओ। तो क्या करो अल्कोहलिक के डालो अल्कोहलिक के मैं एच ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ये वाला एच मैं इधर लिखता हूं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या ओएच का अटैक इधर कराओ ये बांड आगे शिफ्ट होगा और क्लोरीन यहां से निकल जाएगा ठीक है तो डीहाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अब आपको हासिल होगा के सी एल प्लस एच टू ओ ठीक है मैंने डायरेक्ट ही कर दिया डी हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल और यहाँ डबल बॉन्ड ये आपको प्रोपीन मिला प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन मिला ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन में एसिटिक एसिड आसेट को प्रोपानोइक एसिड में लेके जाना कार्बन चेन फिर बढ़ाना पड़ेगा हम क्या करते हैं एसिटिक एसिड आसेट की रिडक्शन करो जी पार्शल रिडक्शन करवाओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या बनेगा आपके पास इथान क्या बनेगा इथा नोल ये दो कार्बन का कंपाउंड आपके पास हासिल हो चुका है ठीक है आप इसका रिएक्शन करवा दो एच बी आर के साथ ठीक है तो बी आर यहाँ ले आओ एच ओ एच रिमूव कर दो इसका तो यू विल गेट एन एल खाइल हेलाइट अब काम आसान हो गया जी सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस एच ओ एच अब इसका ग्रिगना रिज़ेंट बनाओ और एक कार्बन का इजाफा कर लो सी एच थ्री सी एच टू सॉरी बी आर प्लस क्या करें जी ग्रिगना रिजेंट के लिए याद है ना इथर का रिएक्शन इथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम के साथ हीट करो इसको ठीक है एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन रखो एम जी बी आर तो ये आपका ग्रिगना रीजेंट तैयार है जी अब आपको समझ आ गई है कि अब एक और कार्बन बढ़ाना है और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाना तो सी ओ टू के साथ रिएक्शन करो बस सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर प्लस योर सी ओ टू क्या मिलेगा जी सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच ये आपका प्रोपानोइक एसिड तैयार हुआ कैसे पहले हमने इथीरियल कंडीशन में सी ओ टू के साथ रिएक्शन करवाया और फिर उसके बाद हमने इसकी की एसिड हाइड्रोलोसिस हमारा प्रोडक्ट ये है जी दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड होप्स हो कि आपने वीडियो को बड़ी तवज्जो से देखा होगा और तमाम कन्वर्जेंस बड़ी सिंपल से हैं आई ट्राई माई बेस्ट कि आप इनको समझ सको थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय